सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। और गाइस, मैं बता दूं, आज का वीडियो बहुत ही इजी और सिंपल होने वाला है। कैसे आप फ्री फायर नॉर्मल को डाउनलोड कर सकते हो, पीसी हो या आपके पास फोन हो, कुछ भी हो, मतलब आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और ये वीडियो देखने के बाद आपको और वीडियो सर्च करने की जरूरत भी नहीं है और थर्ड पार्टी ऐप से डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूँ मैंने कैसे किया है और कैसे ईजी है, ठीक है। आईडी बैंड नहीं होने का रीजन, ठीक है, अगर आप कई थर्ड पार्टी से ऐप डाउनलोड करते हो तो आपका आईडी बैंड भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको, पहले अगर आपका क्रोम है तो क्रोम में खोल लेना, नहीं तो आपका जो रियल मोबाइल के अंदर जो प्ले स्टोर होता है वो खोल लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो मेरे पास ऑलरेडी फ्री फायर है एंड यहाँ पे क्विक वीपीएन है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर खुला हुआ है मेरा। तो यहाँ पे मैंने एक जीमेल बनाया है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, एक जीमेल बनाना है नॉर्मल सा। पहले क्विक वीपीएन डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। क्विक वीपीएन डाउनलोड करना है, उसके बाद क्विक वीपीएन को ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो मेरा कनेक्ट है, तो यहाँ पे नॉर्मल पे आपको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे यूएस सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको एक जीमेल बनाना है, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे एक जीमेल बनाया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप प्ले स्टोर ओपन करोगे, फिर आपको यहाँ पे एक जीमेल बनाना है, जैसे मैंने ये जीमेल बनाया है, ठीक है। जब जीमेल बना रहे हो याद रखना आपका VPN कनेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। VPN आपका US सर्वर से कनेक्ट, मतलब कहीं भी आप इसमें कनेक्ट क्लिक करोगे तो कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है फ्री फायर, ठीक है। फ्री फायर देख सकते हो, तो यहाँ पे मेरा अपडेट आ चुका है, ये नॉर्मल फ्री फायर ही है, ठीक है। प्ले स्टोर वाला ही है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं है। तो याद रखना आपको यही डाउनलोड करना है, बाकी कहीं से आप जो फाइल देते हैं डाउनलोड करके आपका आईडी को रिस्क में मत डालना, ताकि आप कभी मतलब आईडी मतलब सस्पेंड ना हो, ठीक है। नहीं तो बाद में आप भाई रोते रहोगे, और ऐसे टाइम पे अगर आईडी बैंड भी हो ना तो भाई रोते रहोगे, ठीक है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो मेरा अपडेट आ रहा है, तो मैं अपडेट भी कर सकता हूँ, अनइंस्टॉल करके फिर से डाउनलोड भी कर सकता हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं रहा हूँ, अभी अनइंस्टॉल नहीं करूँगा तब कि मेरे को और नेट लग जाएगा, मैं सीधा अपडेट ही कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा आपको अपडेट पे क्लिक करना है। अपडेट क्लिक करने के बाद अगर आपके पास डाउनलोड नॉर्मल वाला है तो आप यहाँ पे अपडेट क्लिक कर दो, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे मतलब अनइंस्टॉल करके, यहाँ पे देख सकते हो 200 MB का अपडेट आया हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे जाना है आपके क्विक वीपीएन के अंदर और जाके इसको अभी बंद कर देना है, ठीक है। ये हो चुका है, इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये इंस्टॉल होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये इजी है पूरा, आपको कहीं से भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड नहीं करना है गाइस, नहीं तो फिर आपको क्या होगा ना, फिर आपको दिक्कत आएगा और आप मतलब आपका आईडी भी खो सकते हो, ठीक है। बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं ना जिसके अंदर जाके आप फ्री फायर सर्च करते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्विक वीपीएन डाउनलोड करो, फिर उसमें एक जीमेल बनाओ, और जीमेल वही मतलब अदर सर्वर से कनेक्ट होना चाहिए, मैंने जैसे बताया आप लोगों को। मतलब ज़्यादा लंबा वीडियो खींच नहीं रहा हूँ, ईजी है, नॉर्मल है, ठीक है। ज़्यादा माथा मत मारो, एकदम ईजी वे है, समझ जाओ। थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा मतलब दो बार देख लेना, समझ जाओगे मैंने कैसे बताया है। आपको क्या करना है, पहले क्विक वीपीएन डाउनलोड करना है, ठीक है, प्ले स्टोर से। कुछ नहीं करना, क्विक वीपीएन को डाउनलोड करना है। उसके बाद आपके जीमेल सेक्शन में जाना है, जीमेल सेक्शन में जाके क्रिएट न्यू जीमेल करना है, ठीक है, वीपीएन कनेक्ट होना चाहिए तब। और फिर उसके बाद आपको एक जीमेल बनाना है, फिर आपको प्ले स्टोर में उस जीमेल को लॉगिन करना है। उसके बाद क्विक वीपीएन को कनेक्ट करो और फिर आपको ये से फ्री फायर नॉर्मल वाला आ जाएगा, ठीक है। और फिर आप उसको अपडेट कर सकते हो, अनइंस्टॉल मत करना फ्री फायर, आप ऐसे ही कर सकते हो। यहाँ पे देखो मेरा फ्री फायर अपडेट हो चुका है, मैं प्ले पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरा हो चुका है, ठीक है। अभी कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम ईजी हो गया। तो ऐसे आप भी कर सकते हो, बिना नेट गवाए, बिना कुछ किए, एकदम ईजी है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ जितना हो सके शेयर करना, ताकि बंदे सबके पास पहुँच सके। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना गाइस प्लीज़, ताकि मैं मतलब बंदों का कम नेट यूज़ हो सके और उनको मतलब ईजीली उनको मतलब ये सिचुएशन मिल जाए कैसे मतलब करना है, ठीक है। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और यहाँ पे देख सकते हो फ्री फायर का पूरा लॉगिन स्क्रीन खुल चुका है, नॉर्मल वाला ही फ्री फायर है, ठीक है, मैक्स नहीं है, देख सकते हो यहाँ पे खुल चुका है। तो अब बस स्क्रीन मतलब लॉगिन करने का इंतजार है। और यहाँ पे देख सकते हो साइड में डाउनलोड हो रहा है, तुम्हारा स्टैंडर्ड पैक डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो अभी सर्वर विल बी रेडी, मतलब अभी सर्वर टाइम है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि आप लोगों का नेट बहुत कम खर्चा हो, आप इतना घूमो मत। और ये सेम प्ले स्टोर में भी है, ठीक है, सेम जैसे मैंने बताया, ये प्ले स्टोर में भी सेम ही है। जैसे पीसी में काम कर रहा है, ऐसे आपका मोबाइल का प्ले स्टोर में भी काम करेगा, ठीक है। बस आप क्विक वीपीएन को यूज़ करना पहले, ठीक है, इजी है एकदम। होप करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।